हेलो हाय नमस्कार धरित्री लाइव रो आज रो स्पेशल एपिसोड को आपन को वेलकम करूची मु ऐश्वर्या। आम देशर स्वाधीनता और स्वाधीनता मिलिबा पछरे रहितिबा इतिहास संपर्क रे आमे समस्ते जानिछे। हेले आपन जानिछंती कि स्वाधीनता आनिबा पई अनेक वीरत्वं को बलिदान देबा को पडिछि। देशभक्ति एवं वीर पुरुषंक संपर्क रे आजर युवपीढ़ी को अवगत कराइबा पई अनेक फिल्म जरिया रे परिवेषण करा जायछि। तेबे चालंतु जानिबा देशभक्ति कुने निर्माण होइथिबा फिल्म संपर्क रे जहाकु देखिबा परे आमको भारतीय बोली गर्व अनुभव होइथाय। देश स्वाधीनता पई अनेक वीर पुरुष बलिदान देइथिबारु आजि आमे स्वाधीन होइ पारिछि। से वीर पुरुषंकु मने पकाई आमे आजि श्रद्धांजलि जणाउछे। आपण जानिछंती कि एही वीर पुरुषंक विषयरे सेही वीर पुरुषंकु नै आम फिल्म इंडस्ट्रीरे अनेक फिल्म प्रस्तुत करा जायछि जहाकु देखिले आपणक मनरे देश प्रति थिबा भल पाइबा आहुरी बढ़ी जिवो। तेबे सेहळी किछि फिल्म संपर्करे आजर एपिसोड रो ए स्वतंत्र उपस्थापना। प्रथमे जानिबा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म संपर्करे। भगत सिंह जणे एभळी स्वाधीनता संग्रामी थिले जे कि जीवन सारा निर्भय रे इंग्रज सरकारक विरोध रे लढाई जारी रखिथिले। भगत सिंह को देशभक्ति अनेक युवपीढ़ी को आग को आसीबा सहित स्वाधीनता पई लढाई करबाकु साहस जोगाई देथिला। फिल्म रे भगत सिंह को छोटो बेळु नै आजादी पई लढाई करबा एवं फासी हेबा पर्यंत परिवेषित करा जायछि। भगत सिंह को एई लढाई रे भरपूर सहयोग करथिले चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एवं राजगुरु। भगत सिंह को जेतेबेळे फासी होइथिला सेतेबेळे से मात्र 23 वर्षर युवक थिले। 2002 मसीहा रे निर्मित होइथिबा ए फिल्म रे भगत सिंह को भूमिका रे अभिनय करथिले अजय देवकर जहांकु दर्शक बहुत पसंद करबा सह एहा सिने प्रेमी को खूब आकृष्ट करथिला। जहा फल रे फिल्म पई अजय को दुई थरो बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिलिबा सहित बेस्ट फीचर फिल्म भाबे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह को पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। एबे जानिबा फिल्म मंगल पांडे संपर्क रे। 1827 मसीहा रे जन्म ग्रहण करथिबा मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रे जणे सिपाही भाबे कार्य करथिले एवं कैप्टन बी एन गोडेन कर जणे भलो बंधु होइथिले। हेले इंग्रज सरकार जेतेबेले भारतीयों को उपरे अत्याचारर सीमा टपी जाइथिले सेतेबेले मंगल पांडे आउ बर्दाश्त करिनथिले। सेतेबेले से इंग्रज सरकार को विरोध रे ना केवल विद्रोह करथिले बरम 1857 रे इंग्रज सरकार को कड़ा जवाब दे आंदोलन को तीव्र करथिले। मंगल पांडे प्रथम थर पई इंग्रज सरकार को विरोध रे मारो फिरंगी नारा लगाइथिले। 1857 मसीहा एप्रिल 8 तारीख रे क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी दिया जायथिला। 2005 रे मंगल पांडे रिलीज होइथिबा बेले फिल्म रे ए सबु चित्र को खूब भलो भाबे रे चित्रण करथिले निर्देशक। रिलीज हेबा परे मंगल पांडे भूमिका रे नजर आसीथिबा आमिर खान को भूरी भूरी प्रशंसा मध्य करा जायथिला। आउ एहा बॉक्स ऑफिस रे भलो चालीथिला मध्य। फिल्म गदर एक प्रेम कथा। 1947 रे भारत पाकिस्तान विभाजन बेले अनेक लोकंकर जीवन जायथिला। सेही समय एभली थिला कि मणिष त थिले हेले सेमानक मध्येरे मानवीकता नथिला। पाकिस्तान रु भारत जाउथुबा हिंदू ओ सिख मानंकु मुसलमान माने हत्या करिबा एवं भारत रु पाकिस्तान जाउथुबा मुसलमान को हिंदू माने हत्या करिबा भली परिस्थिति सृष्टि होइथिला। महिला हुवंतु कि शिशु किंबा वृद्ध कहा को भी निस्तार मिले नथिला। ए सब घटना को नै 2001 जून 15 रे बॉलीवुड रे निर्मित होइतला फिल्म गदर एक प्रेम कथा। फिल्म रे लीड रोल रे नजर आसीथिले सनी देवल ओ अमीषा पटेल। सनी देवल जणे हिंदू होइतबा बेले हीरोइन साजिथिबा अमीषा पटेल थिले मुसलमान घरर झियो। भारत पाकिस्तान विभाजन हेबा बेले भारत रे फसी जाइथिले अमीषा। हिंदू माने तंकु मारिबा पई पीछा करथुबा बेले से पडिथिले हीरोंको नजर रे। फिल्म रे सनी देवल को भूमिका रियल लाइफ रो बूटा सिंह को द्वारा प्रभावित होइथिला। फिल्म टी सही समय रे खूब फेमस हेबा सह 5 कोटी लोको एहा को हॉल रे देखिथिले। एबे जानिबा फिल्म बॉर्डर रो कहानी संपर्क रे। सब बेले खबर आसे जे काश्मीर बॉर्डर रे केते बेले पाकिस्तानी माने अनुप्रवेश करिसेंती तो आउ केते बेले आतंकवादी कर आक्रमण होईछि। आम भारतीय सेना सेमानको एहार कड़ा जवाब मध्य देइथांती। हेले एहा कोनोसी नुआ कथा नुह।
यार इतिहास बहुत पुराणा। 1971 होता भारत पाकिस्तान युद्ध कहानी को नहीं निर्माण होता फिल्म बॉर्डर। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। 124 भारतीय शहीद जवान जीवन बदल रे शत्रु पक्ष 2000 जन जवान जीवन नहीं थे भारतीय सेना। यह सहित 45 टैंकर को ध्वंस कर देते। यह युद्ध पाई पूर्व पाकिस्तान आजाद होगा सहित एक नुआ देश बांग्लादेश भावे गढ़ी उठिला। हेले युद्ध तो युद्ध होता है। यह युद्ध में भारत को अनेक क्षति सहवाक पड़ता। फिल्म रे परिवेशित होता यह दृश्य को देखिले मनरे देशभक्ति जगि उठी थाए एवं देश पाई शहीद होता आम जवान प्रति सम्मान आहुरी बढ़ी जाए। फिल्म चक दे इंडिया से खेलाड़ी हूँ कि आउ किए सबुबले एमिती देखा जाए कि देश पाई आपण जेते भी बलिदान देले सुधा गोटिए भूल आपण को देशद्रोही करि देथाय। लोकमाने तुम्हारे से ही गोटिए भूल पाई सबु भल काम को भूली जाई निंदा करिबाकु पछंदी नाही। किछि एभली कहानी थिला फिल्म चक दे इंडिया रे। फिल्म रे कबीर खान भूमिका रे नजर आसीथिले सुपरस्टार शाहरुख खान। फिल्म रे कबीर खान को द्वारा मैच रो शेष को गोटिए गोल न होबारु समस्ते तंकु गद्दार एवं देशद्रोही बोली आख्या देथांती। हेले भारतर जने सचोट खेलाड़ी भावे निजर सम्मान फेरस्त पाइबा पाई महिला हॉकी टीम को रेडी करथिले कबीर खान। एहि टीम रे केवल नामक मात्र टीम भावे गणित होतला। हेले केही भी भावि नथिले जे कबीर कर एहि महिला टीम दिने चैंपियन हेबो। शाहरुख एथिरे केवल अभिनय करिनथिले बरम एहि भूमिका को स्मरणीय करि देथिले। यशराज प्रोडक्शन पक्षरु प्रस्तुत होइतिबा एही देशभक्ति फिल्म रो गीत भी सुपर हिट होइतिला। दर्शकों को एही फिल्म एभली भावे पसंद आसीतिला जे 2 मास पर्यंत एहा फिल्म हॉल रे हाउसफुल रहितिला। फिल्म रंग दे बसंती जेतेबेले मृत्यु आसे केही केही एहा को सहजरे ग्रहण करंती तो केही कांदिकी। हेले आम स्वाधीनता संग्रामी माने मृत्यु को हसी हसी अपनाइथिले। 2006 जनवरी 26 रे रिलीज होइतिबा रंग दे बसंती फिल्म रे जणे इंग्रेज युवती निज पितांक डायरी रे लेखाथिबा स्वाधीनता संग्रामी को विषय रे एक डॉक्यूमेंटरी प्रस्तुत करिबा पई इंडिया आसीथिले। एठारे तांकर भेट हुए 4 जण सांगंग सहित जहांकु डॉक्यूमेंटरी रे अभिनय करिबाकु से मनाई नियंती। फिल्म रे एआर रहमान को द्वारा लिखित संगीत को काफी पसंद करिथिले दर्शक। फिल्म रे जेतेबेले मां सामना को पुअर मृत शरीर आसीथाय एवं सेतेबेले मार मन जेउ भली भाबे चित्रण करा जैछि ओ बैकग्राउंड रे बाजुथुबा लुका छुपी सॉन्ग सुनिबा मात्रे सतरे लोमो टांकुरी उठे। ए फिल्म टी बॉक्स ऑफिस रे सबु रिकॉर्ड भांगी देथिला आ सुपर हिट होइथिला। भारत पाकिस्तान मध्यरे थिबा विवाद संपर्क रे सारा दुनिया अवगत होई सारिची। भारत बंधुतार हात बढ़ाउथुबा बेले पाकिस्तान मिछ बंधु साजी सबु बेले पछपटु अटैक करिथाय। सीमारे नियम उल्लंघन करिबा हेउ कि भारतीय सेनांक उपरकु आक्रमण करिबारे सर्वदा लागिथाय पाकिस्तान। 2016 सेप्टेम्बर 18 रे उरी रे भारतीय सेनांक उपरकु आक्रमण करिथिले आतंकवादी। एही आक्रमण रे 18 जण भारतीय सेनांकर मृत्यु होइथिला एवं अनेक जवान गुरुतर आहत होइथिले एवं पूरा कैंप ध्वंस होइ जायथिला। 4 जण उग्रवादी को सह 6 घंटा धरी लड़ई करबा परे शेषरे सेमानकु परास्त करथिले भारतीय सेना। एही आक्रमण रा कड़ा जवाब देबाकु भारत निष्पत्ति नैथिला। सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा कड़ा जवाब देथिला भारत। ए सब रियल घटना को नहीं 2019 रे रिलीज होइथिला फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। रियल लाइफ रो आर्मी ऑफिसर को कहानी को नहीं आधारित होइतिबा ए फिल्म रे लीड रोल रे थिले विकी कौशल। अन्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाइथिले परेश रावल, यामी गौतमी, मोहित रायना, कृति कुल्हाड़ी। उरी आक्रमण रो बदला नेबाकु भारत करथिबा सर्जिकल स्ट्राइक को सबुठी प्रशंसा करा जायथिला एवं ए फिल्म टी मध्य सतेबेले सुपर डुपर हिट होइथिला। तो फ्रेंड्स देश मातृका और स्वाधीनता को नहीं बॉलीवुड रे अनेक फिल्म निर्माण करा जायछि। सेथी मध्यरु स्वदेश, लक्ष्य, मुंबई अटैक, एयरलिफ्ट, परमाणु, मणिकर्णिका आदि अन्यतम। तेबे आपण को ए सब फिल्म भितरु केउ फिल्म टी सबुठु बेसी भल लागिछि एवं काहे कि आम कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत कमेंट करके जणातु। आ जदि आपण को ए वीडियो टी भल लागिछि तेबे लाइक करबा को जमारु भी भूलिबेनी एंड यस टू सब्सक्राइब टू धरित्री लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।